20 नवंबर के शैक्षणिक समाचार में आप सभी का स्वागत है। आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी के इंटरव्यू होंगे कल से शुरू। प्रदेश के 39 स्कूलों को स्वच्छ पुरस्कार है वो दिया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न शहरों में 25 दिसंबर को होगी फिट जी टैलेंट रिवॉर्ड की जो परीक्षा है वो। पैरा टीचर पंचायत सहायकों को शिक्षा विभाग में लेने की तैयारी शुरू। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने जारी किया दिशा निर्देश। नो बैग डे पर स्कूलों में बच्चों ने चली शतरंज की चाल। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला पहुंचे मालवीय नगर स्कूल। 856 अभ्यर्थियों का खत्म नहीं हो रहा इंतजार। कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती 2022 का ये मामला। राजस्थान के 2 विद्यालयों को मिला स्वच्छ विद्यालय राष्ट्रीय पुरस्कार। 10वीं में 96% से अधिक अंक जांच में आवेदक नाम तक नहीं लिख पाया। इसी महीने में मिलेगी नागौर के 74 बच्चों को भ्रमण का मौका। कई शतरंज पर दाव लगाते कहीं अन्य खेल खेलते मिले विद्यार्थी। शिक्षिका को ज्वाइनिंग कराया लेकिन नहीं दे रहे वेतन। सीडीओ ने मांगा पीओ से स्पष्टीकरण। 200 रुपये में कैसे सिलेगी 2 ड्रेस। स्कूलों में शिक्षकों व व्याख्याताओं के पद रिक्त कैसे पड़े ननिहाल। हाईकोर्ट का कॉलेज शिक्षा विभाग को नोटिस जारी। विशेष योग्यजन सहायक व्याख्याता के तबादले पर लगाई रोक। एकीकरण के बाद रिक्त हुए विद्यालय भवन की देखभाल सुनिश्चित करें जिला कलेक्टर। रोक के बाद भी जारी थी विद्या संबल प्रक्रिया मंत्री ने कराई स्थगित। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना प्रत्येक माह 1 से 5 तारीख तक अपनी उपस्थिति SSO ID से अपलोड करनी होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे अभ्यर्थियों के लिए बनाई वेबसाइट ऐप। निःशुल्क ऑनलाइन तैयारी कर सकेंगे अभ्यर्थी। संस्कृत स्कूलों के 2500 पदों पर गेस्ट फैकल्टी लगाने पर रोक। आज के समाचार यही समाचार। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।